हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को गौशाला जो कि सरकार द्वारा वितरण किया या दिया जा रहा था, तो वो लिस्ट आ चुका है, हम किस तरह चेक कर सकते हैं, तो 2020-21 का लिस्ट जो जारी हुआ है उसको हम किस तरह चेक? आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊँगा कि आप ऑनलाइन किस तरह गौशाला चेक कर सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं है, या आप छत्तीसगढ़ के हो, या आप उत्तर प्रदेश को हो, या आप बिहार के हो, या आप हरियाणा को हो, किसी भी राज्य के हो, तो आपको आसानी से कैसे चेक करना है मोबाइल या लैपटॉप के ज़रिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यही बताऊंगा कि गौशाला कैसे चेक करें कि आपका नाम आया है नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको महात्मा गांधी नेशनल लोड की वेबसाइट पे आ जाना, जिसको हम बोलते हैं मनरेगा या नरेगा, ठीक है, दोनों एक ही है। तो इस पोर्टल पे हमें आ जाना है। जैसे इस पोर्टल पे आएंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको एक विंडो ओपन हो जाएगा। विंडो ओपन होने के बाद कुछ सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, भारत सरकार द्वारा, जैसे कि कोविड-19 के तहत। इसको हम क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू जो भी आया, देख सकते हैं आप क्या क्या आया है। मनरेगा का ये आया, ये पूरा नई लिस्ट आ चुकी है, जो जो भी आया, पंचायत है, मनरेगा का आया है, आप से चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं डायरेक्ट यहाँ से आपको चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ चेक करने की कई स्टेट डाटा पे एंट्री पे जा सकते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं डाटा एंट्री पे, आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इस प्रोसेस से आपको बताता हूँ, इसमें दो तीन मेथड होता है, ठीक है। तो चलिए हमको क्या चेक करना है, अपने ग्राम पंचायत के तहत चेक करना है। तो ग्राम पंचायत क्लिक कर देंगे कि आपके ग्राम पंचायत में कितने, तो दोस्त तो आपको इस नंबर पर आ जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है स्टेट पे। क्लिक करने के बाद आपको एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे कि दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हमने क्लिक कर दिया स्टेट पे, तो अभी ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं विलेज से बहुत रिलेटेड अभी अपडेट आ चुका है। तो अपडेट आने के बाद मैं सारे अपडेट को आपको जल्द से जल्द बताने की कोशिश करूँगा मैं क्या क्या अपडेट आया है। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने ये स्टेट सारे ओपन हो चुके हैं। आप जिस राज्य के हों उसको सिलेक्ट कर लेना है पर्टिकुलर, चाहे गोवा हो या उत्तर प्रदेश हो या सिक्किम या उड़ीसा हिमा। तो दोस्तों मैं डेमो के तौर पे, चलिए हम उत्तर प्रदेश पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद एक न्यू विंडो फिर से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, आप किस ज़िले के हैं, आप उसको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर कुछ टाइम के बाद एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप किस ब्लॉक के अंतर्गत बिलोंग करते हैं, ठीक है, उसको क्लिक कर देना है। आप जैसे कर देंगे उसके बाद आपका पंचायत आता है, ठीक है, आप किस पंचायत के अंतर्गत आते हैं आप उसको प्रॉपर ढंग से फिलअप करेंगे। तो चलिए मैं डेमो के तौर पर कोई एक ले लेता हूँ, जैसे आप क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। तो आपकी इसमें 5 नंबर पे आ जाना है, 5 नंबर पे लिस्ट ऑफ वर्क, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इसमें सेलेक्ट कर लेना है ऑल पे, इसमें सारी योजना देख रहे हो, दे रहे जल संरक्षण, भारत निर्माण केंद्र, रूल्स ग्रामीण, प्लेग्राउंड, अन्य भूमिका तथा सुरक्षा, बाढ़ नियंत्रण, फूड गेन तथा ये टोटल सूखा टोटल दिया है। तो ऑल पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ऑल पे क्लिक करेंगे हम, उसके वहाँ पे ऑल पे यहाँ पे भी ले लेंगे, यहाँ पे कौन सी ईयर का हमें देखना है, 2021-22 का। तो जैसे कि दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये देखिए पीएम हाउस आया है। जैसे कि दोस्तों आपके सामने हमने ये वीडियो का वर्क नेम वर्क गुड जो भी आपका था, हमने रिपोर्ट दिखा दिया आपको। आप इसी तरह आप अपने गांव, अपने सिटी या अपने राज्य का रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों
फिर एक नए वीडियो के साथ आऊँगा मैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप इसी तरह टेक्निकल स्विच का सहयोग करते रहिए। धन्यवाद।